और बाद में जो होगा वो फिर हेलीकॉप्टर से जब प्रचार होगी, जब सभा होगी। लालू जी आ रहे हैं क्या? लालू जी आ रहे हैं क्या? लालू जी वो तो बड़े इच्छुक थे आने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, अपने पिता से मिलने गए थे, उनकी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है और उनका इलाज चल रहा। पिता से मिलने गए थे तेजस्वी यादव, पटना पहुँचते ही बिहार सरकार पर हमला बोल दिए और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार को लेकर, सुनिए। आपको पता है दशहरा था और विजयदशमी जो है, बिहार की जनता NDA को पराजित करा करके असल में विजयदशमी मनाई। गरीबी, बेरोजगारी, अफसरशाही, अपराध, भ्रष्टाचार, जो सुशासन ने देने का काम किया है, बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना रखा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, विशेष पैकेज नहीं मिला है, और जब से नई सरकार बनी है कोई एक योजना बता दीजिए जो धरातल पे काम कर रहा है। हर जगह जो है भ्रष्टाचार, सब लोगों ने देखने का काम किया है और लोग ऊब चुके हैं इस मौजूदा सरकार से, और तारापुर की जनता और कुशेश्वर स्थान की जनता भले ही पिछला चुनाव वो जदयू के खाते में गया, लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो दोनों उम्मीदवार हैं भारी मतों से विजय प्राप्ति करेंगे, और सत्ता में बैठे जो तानाशाह रवैया अपना रहे हैं उनको सीधा संदेश भेजेंगे कि अब बस बहुत हुआ, अब आपसे बिहार जेडीयू कह रही है कि लाल तेल जलने वाला नहीं है चुनाव में। सबसे बड़ी पार्टी बनाया बिहार की जनता ने, बेईमानी के बाद भी 1,56,00,000 हमारे गठबंधन को वोट मिला, मात्र 12,000 का डिफरेंस रहा बेईमानी के बाद भी, कितना पोस्टल बैलेट रद्द किया उसके बाद भी, अब बोले लालटेन नहीं जल, बिजली की किल्लत देख रहे क्या है पूरे देश में, बड़ा खेला हो रहा। तो सुना आपने, साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी का अड्डा बना चुके हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार थक चुके हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरा थक चुके हैं और वो अब बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं, ऐसे में अब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और जनता ये सब समझ गई है, दोनों सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।